नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूजुबल। यूजुबल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं बिहार के प्रधान शिक्षक बहाली संबंधी अपडेट देता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम देखेंगे कितना नंबर आने पर आपको प्रधान शिक्षक में पास हो सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल समान वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, यानी कि आपका 150 में 60 नंबर आ जाएगा समान उम्मीदवारों को, जनरल को, तो 60 नंबर पर पास हो जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, यानी कि आपका 54.75 अंक आ जाएगा तो आप लोग पास हो सकते हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, EBC के लिए आपको 51 नंबर लाना जरूरी है तभी पास हो सकते हैं, ये पुरुष के लिए है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%, यानी कि 48 नंबर आप लोग लाइएगा तो पास हो सकते हैं। और महिलाओं के लिए भी 48 नंबर लाना है 150 में तो आप लोग पास हो सकते हैं। तो जैसे कि न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों से संवर्ग आवंटन संबंधी अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों का पद स्थापन मेरिट कम च्वाइस के आधार पर संबंधित जिला में शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। जैसा कि आप लोग का नंबर आएगा उसी के द्वारा मेरिट के अनुसार आप लोग का बहाली किया जाएगा। आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता और अनुभव से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उसकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये BPSC के साइट पर फॉर्म भराएगा। अब आप लोग समझ ही गए हैं कितना अंक लाना है। मैं इसका तैयारी अपने चैनल पर करवाऊँगा क्योंकि GK है 75 नंबर का और 75 नंबर का DLS से सवाल पूछेगा। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के जय हिंद, जय भारत।